बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए 118, बी 120, सी 122 या डी 124। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर में शिक्षा सुधार सप्ताह के तहत मशाल जुलूस रालोसपा के द्वारा सरदार पटेल प्रतिमा स्थल कचहरी चौक भागलपुर से वीर भगत सिंह चौक घंटाघर तक निकाला गया। शिक्षा सुधार को लेकर रालोसपा ने पिछले कई सालों से लगातार विभिन्न कार्यक्रम किया है। इसी कड़ी में शिक्षा सुधार बनाए ईवीएम बटन दबाने का पहला आधार स्लोगन के साथ इस कार्यक्रम को चलाया है। वहीं मशाल जुलूस के समापन भाषण में जिला अध्यक्ष रविशेखर भारद्वाज ने कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था सभी चौपट हो गया है। परिचय दे दूं, मैं चंदन कुमार कर्ण विधि प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ। इसके पहले भी पूर्व प्रधान महासचिव रह चुका हूँ। हम लोगों ने बहुत बार हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने शिक्षा में सुधार को लेकर के बहुत बार मतलब जो है नीतीश कुमार को जगाने का काम किया है, लेकिन नीतीश कुमार ने शिक्षा की हालत इतनी बदतर कर दी है कि लोग यहाँ पे जो है शिक्षा से मतलब शिक्षा के नाम पे बिहार में कुछ नहीं बचा है। सिर्फ जाति के नाम पे वो वोट लेते हैं, इलेक्शन के समय में अलग अलग तरीके का बात करते हैं, लेकिन शिक्षा के स्तर इतनी गिर गई है कि आज हम लोग इसके लिए दुखी हैं कि हमारे यहाँ जहाँ से कि बड़े बड़े लोग पढ़ के निकले सबकी आज बिहार में हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देने का काम किया और एवं प्रकार से लोगों को देने का काम किया, आज उसकी बिहार की स्थिति इतनी बदतर है जो कि शिक्षा के नाम पे सिर्फ लूट हो रहा है, इसमें मचा हुआ है। हर स्कूल को गुलाबी पेंट से कर दिया गया है, भोजन के नाम पे मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है, लेकिन कहीं शिक्षा के नाम पे कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, ना ही सरकार की कोई व्यवस्था है। सरकार अपने मतलब विफलता को छुपाने के लिए सरकार बार बार जो है मतलब जो है गलत गलत राह पे ले जाती है। अभी दिया गया कि बीएड जो नहीं करेगा उसको भी टीचर मिलेंगे, तो जब आप बीएड नहीं करेगा उनको टीचर मिलेंगे तो 2014 में आपने किस बात को लेकर के कहा था बीएड वाले को मैं नौकरी दूंगा? तो नीतीश कुमार के राज्य में ये लालू यादव को दोषी मानते हैं, मैं तो उनसे ज़्यादा दोषी नीतीश कुमार को मानता हूँ कि पढ़े लिखे हुए इंजीनियर आदमी होते हुए नीतीश कुमार ने बिहार की जो स्थिति की है, हम लोग 15 साल तक नीतीश कुमार को भूलने वाले नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने शिक्षा को लेकर के आज मार्केट में लॉकडाउन खुला हुआ है, शिक्षा में कोर्ट में आज जो है लॉकडाउन की स्थिति क्या है, स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन नीतीश कुमार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि 6 महीने के से आज स्कूल कॉलेज बंद है, उसके लिए मैं क्या करूं? इसके लिए ये कुछ नहीं, सिर्फ लंबा बैनर पोस्टर वो देते हैं, कार्यकर्ता लगाते हैं बूथ लेवल पर, उनको वोट चाहिए, लेकिन शिक्षा के स्तर एकदम पत्थर है। नीतीश कुमार को भी जागरूक करना चाहता हूँ कि वो जो है शिक्षा में सुधार करें। हमारे उपेंद्र कुशवाहा ने जो आज पार्टी को छोड़ा वो बीजेपी गठबंधन में साथ में थी, लेकिन उनको छोड़ने का एक ही कारण हुआ कि आप शिक्षा में सुधार करें, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और जो है शिक्षा को बदतर करते ही चले गए। इसीलिए हम लोग उनसे दुखी है, पहले वो शिक्षा में सुधार करें तब हम लोग बिहार की जनता उनके साथ है, नहीं तो हम लोग उनके साथ नहीं है। भागलपुर जिला राष्ट्रीय जनता दल सोमवार को जिला महिला प्रकोष्ठ, जिला कार्यकारिणी एवं महिला प्रकोष्ठ प्रखंड अध्यक्ष के साथ एक बैठक शिला विवाह भवन बूढ़ानाथ में आहूत किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला जिलाध्यक्ष निशु सिंह कर रही थी। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने कहा कि महिला नारी शक्ति का देवी का दूसरा रूप है, राजद संगठन हमेशा नारी को सम्मान एवं अधिकार देते आ रहे हैं। इसके साथ ही सभी महिला जिला कमेटी एवं प्रखंड अध्यक्षों को संबोधित करते हुए महिला को स्वसम्मान दल से जोड़े एवं बूथ की ओर जाएं। बैठक में प्रदेश सचिव राबिया खातून, महिला जिला प्रधान महासचिव चांदनी कुमारी सहित कई अन्य उपस्थित थे। हमारे दल से जुड़े सभी धर्म वर्गों की महिलाओं का हमारे दल में
इज्जत है, वो आए हमारे संगठन में। हमारा जिला अध्यक्ष महोदया जो है काफ़ी मेहनत कर रही है, प्रत्येक घर से महिलाओं को निकालने का काम कर रही है। मैं इनको धन्यवाद देते हैं कि ये मेहनत कर रही है। ये सबसे पहले नीति डबल इंजन की सरकार है और सुशासन बाबू के सरकार में कल ही एक मर्डर हो गया, जो हमारे राजपथ पार्क के नज़दीक एक गार्ड को मार के फेंक दिया गया। और इससे दिखता है कि सुशासन बाबू क्या कर रहे हैं और इनकी सरकार क्या कर रही है। हमेशा रेप हत्या इनका रोज का चलना है। अभी कुछ दिन पहले दरभंगा में 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और विगत हमको लगता है 4 दिन पहले एक नाबालिग लड़की पे चार लड़का रेप किया। तो कहाँ है कानून व्यवस्था? कहाँ है? कहीं कानून व्यवस्था नहीं है। और सुशासन बाबू का रोज अदापते हैं कि बहुत अच्छा प्रशासन काम कर रही है, सरकार काम कर रही है। मुझे तो नहीं लगता, दिन दहाड़े हत्या करके फेंक दिया जाता है। मैं आज भी गई थी पीड़िता से मिलने के लिए, लेकिन इतना प्रेशर आ जाता है कि आप इसमें नहीं पढ़िए तो क्यों नहीं पढ़ूँ। मैं इससे पहले सोशल वर्कर थी और उसके बाद मैं राजद में आई और मुझे लगता है कि ये डबल इंजन की सरकार से बहुत अच्छा तेजस्वी जी काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए। और हम लोग का दिली इच्छा है कि तेजस्वी जी CM बने और महिलाओं के लिए जो भी उनकी जो देख रहे हैं कि भावना है कि सेफ रहे, सेफ्टी रहे, वो हमको लगता है क्या तेजस्वी जी की सरकार बनने के बाद हम लोग बहुत महिलाएँ सेफ रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी के सरकार में आए दिन मर्डर, रेप ये कंटिन्यू होते जा रहा है। इसमें हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो जनता देख रही है और वही चुनाव करेगी क्या करना है इसे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सुंदरवती महिला महाविद्यालय में पार्ट 1 के छात्राओं के पंजीयन में गड़बड़ी के मामले को लेकर प्राचार्य से मिला एवं प्राचार्य का घेराव किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अतुल अग्निहोत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर कई बार प्राचार्य से मिला गया, लेकिन प्राचार्य ने बार बार टालमटोल की स्थिति उत्पन्न की। जब इस विषय पर आज उनसे पूछा गया तो उन्होंने खुद से अपना ताला लगाकर सभी काउंटर बंद करा दिया, जो कि कदापि न्यायसंगत नहीं है। वहीं मौके पर कुणाल पांडे ने कहा कि जो प्राचार्य छात्र छात्रों की समस्या नहीं सुन सकते, उन्हें किसी भी दृष्टि से प्राचार्य रहने का हक नहीं है। ऐसे प्राचार्य को अविलंब बर्खास्त कर देना चाहिए। वहीं मौके पर कुश पांडे, विकास चौहान, करण शर्मा, आदित्य राज, भानु प्रताप कश्यप, सोनाली व नेहा सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। शिक्षा सुधार बनाए बटन दबाने का पहला आधार रालोसपा। नौगछिया अनुमंडल कार्यालय के प्रांगण में सोमवार को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ शिक्षा सुधार बनाए बटन दबाने का पहला आधार कार्यक्रम के तहत सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रालोसपा पुलिस जिला नौगछिया के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने कहा कि आज शिक्षा का मूल उद्देश्य जो होना चाहिए थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसे समाप्त कर दिया है। नवगछिया में बोले जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वर्चुअल संवाद कार्यक्रम ऐतिहासिक।
बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने जदयू के अपने वर्चुअल प्लेटफॉर्म jadulive.com के जरिए अपना संबोधन बिहार के तमाम लोगों तक पहुंचाया। इस रैली के माध्यम से नीतीश कुमार अपने शासनकाल के कार्यों को जनता के सामने रखा। मौके पर उन्होंने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर अपने दल के चुनाव अभियान का बिगुल फूंका है। नौगछिया जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में नौगछिया संगठन जिला के सैकड़ों जगह पर निश्चय संवाद कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था की गई थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का संवाद कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवाकर खाएं सुंदरम का खाना, नौगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नौगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ, अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी, घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, Polytechnic, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नौगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736 8228956905 या रजिस्टर करें mswtbihar.com पर। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा कुर्सी टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888 उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773 9340-67-170। नवगछिया, राजद कार्यकर्ताओं ने बूथ कमेटी का गठन कर तेजस्वी को सीएम बनाने का किया संकल्प। राजद प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद चौबे के नेतृत्व में राजद कार्यकर्ताओं ने विभिन्न गांवों में बूथ स्तर पर कमेटी का गठन कर गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी को जिताकर तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का संकल्प लिया। मौके पर राजीव कुमार रंजन, अमर यादव सहित कई अन्य उपस्थित थे। नारायणपुर में डीलर खाद्यान्न में ज्यादा राशि लेकर भी वजन दे रहे कम, उपभोक्ताओं ने डीलर के खिलाफ SDM को दिया आवेदन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बावजूद कोरोना संकट काल में दिनों डीलर द्वारा नारायणपुर में उपभोक्ताओं द्वारा अगस्त माह का खाद्यान्न कालाबाजारी करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि डीलर की मनमानी चरम पर है, जिससे उपभोक्ता परेशान है। प्रखंड के सभी पंचायतों में डीलर के द्वारा निर्धारित दर से कम कीमत व वजन कम के साथ कैश मेमो भी उपभोक्ता को नहीं दिया जा रहा है। उपभोक्ता के द्वारा विरोध करने पर डीलर द्वारा साफ शब्दों में कहा जाता है कि जो सरकारी दर है और सरकार के द्वारा जो वजन निर्धारित किया गया है, उस वजन और उस दर के हिसाब से मैं खाद्यान्न वितरण नहीं कर सकता हूं। नाम नहीं छापने के शर्त पर डीलर ने बताया कि मुझे भी टेबल मैनेज करना पड़ता है, यूनिट के हिसाब से डीलर संघ के नेता द्वारा प्रतिमाह वसूल कर पहुंचाया जाता है। नवगछिया, सड़क दुर्घटना में एक घायल, मायागंज रेफर। रंगरा थाना क्षेत्र के NH31 के मुरली के पास टेम्पो दुर्घटना में रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव के एक सोनू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों ने इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए लाया, जहां से प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर उपचार हेतु भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया गया। नवगछिया के तिनटेंगा दियारा के सेमरिया में चल रहे अवैध देसी शराब फैक्ट्री लगाए जाने के मामले में 11 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के तिनटेंगा दियारा पंचायत अंतर्गत सिमरिया गांव स्थित गांव के खेत में चलाए जा रहे दर्जनों
अवैध शराब फैक्ट्री के मामले में रंगरा पुलिस द्वारा सिमरिया गांव के ही 11 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताते चलें कि पिछले दिनों रविवार को जिले से आई उत्पाद विभाग की पुलिस टीम एवं स्थानीय रंगरा एवं नौगछिया पुलिस के संयुक्त छापेमारी अभियान के दौरान सिमरिया गांव में अवैध देसी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ के बाद पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाले शराब माफियों के विरुद्ध मुहिम तेज कर दी है। वहीं इस बाबत रंगरा थाना अध्यक्ष राजेश कुमार राम ने बताया कि इस कारोबार में संलिप्त नामजद शराब माफियों के विरुद्ध तिनटेंगा दियारा के अलावा उनके संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, मगर अभी तक पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जमीन एवं जमीन मालिक के बारे में पता लगाया जा रहा है, जानकारी प्राप्त होने पर जमीन मालिक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। नवगछिया में आर्म्स एक्ट एवं डायन अधिनियम के मामले में 8 गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस ने छापेमारी कर आर्म्स एक्ट एवं डायन अधिनियम के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सभी थाना क्षेत्र के सिमरा निवासी बंटी शर्मा, बूचो शर्मा, साजन शर्मा, कन्हैया शर्मा, ननकी देवी, सोनी कुमारी, रूबी कुमारी एवं जुआ देवी शामिल हैं। नवगछिया थाना अध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा ने कहा कि सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बैंक मैनेजर हत्याकांड, कातिलों का पता लगाने बेगूसराय पहुंची नौगछिया पुलिस। मधेपुरा निवासी बैंक मैनेजर अजंत कुमार चौधरी उर्फ केनेडी हत्याकांड के 36 घंटे से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं है। हालांकि कातिलों का पता लगाने के लिए नौगछिया पुलिस की एक टीम सोमवार को बेगूसराय पहुंचकर मामले में पूछताछ और छानबीन की है। इस टीम में झंडापुर के थानाध्यक्ष शिव प्रसाद रामानी, अवर निरीक्षक माताब खान के साथ अन्य पुलिस बल भी शामिल हैं। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि पुलिस की टीम सबसे पहले बेगूसराय स्थित SBI के उस प्रांत में पहुंचे जहां अजंत काम करते थे। पुलिस ने बैंक अधिकारियों के साथ अजंत के सहकर्मियों से लंबी पूछताछ की है। पुलिस की पूछताछ में बात सामने आई है कि अजंत बैंक का ऑफिशियल काम देखते थे, बैंक के पब्लिक सेक्टर से उनका कुछ लेना देना नहीं था। सहकर्मियों ने बताया कि अजंत शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और ज्यादातर अपने काम से ही मतलब रखते थे। बात सामने आई है कि शनिवार को जब वे भागलपुर के लिए रवाना होने को थे तो एक ATM में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी जिसे उन्होंने ठीक किया और 7 से 7:30 बजे के बीच उन्होंने बैंक यह कहकर छोड़ा कि आज उन्हें परिवार से मिलने भागलपुर जाना है। इसके बाद कहां जा रहा है वो अपने आवास पर गए और वहां से भागलपुर के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने अजंत के आवास के आसपास के इलाकों में भी टोह ली है। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA BCOM BSc पॉलिटेक्निक BTEC BBA BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नौगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88 73 97 36 80 8225 6905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ, अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में, संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। अब आपके शहर नौगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773 9303467170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा कुर्सी टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888। उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा।